आपको म्यूचुअल फंड 10 साल, 5 साल, 3 साल के ड्यूरेशन पे नुकसान दे सकता है। आज मैं जो आपके सामने वीडियो का विश्लेषण लेके आया हूँ, जानेंगे कि अगर आपने सही म्यूचुअल फंड का डिसीजन नहीं दिया, सही म्यूचुअल फंड का आपने सिलेक्शन नहीं किया, तो वाकई में लंबे समय में भी आपको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ सकता है। आज के वीडियो के विश्लेषण में हम डिस्कशन करेंगे कि पिछले 10 साल, पिछले 3 साल, पिछले 5 साल में ऐसे कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जहां पे नुकसान देखने को मिला है। हम ये भी जानेंगे कि म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करते समय क्या आपको यहाँ पे पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए जिसके बेसिस पे बहुत बड़े हम नुकसान से बच सके। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक ऐसा फंड रखता हूँ जो पिछले 10 साल में इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान दिया है। आपके सामने है HSBC ब्राज़ील फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 जनवरी 2013 से लेके 14 जून 2024 तक का अगर आप ड्यूरेशन की बात करोगे तो 10 से 11 साल का ड्यूरेशन है, और इस ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट 30 से 31% का नुकसान देखने को मिला है। भले ही देखा जाए तो AUM काफ़ी बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10 से 11 साल में 30% का नुकसान काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। 10 साल में अगर आप कोई इंडियन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे पैसा लगाए होते, अगर आप कोई स्मॉल कैप में पैसा लगाए होते, तो करीबन वो आपका 6 गुना वो पैसा बन सकता है। पिछले 10 से 11 साल में यहाँ पे नुकसान देखने को मिला है। कई ऐसे इन्वेस्टर मेरे से पूछते हैं, क्या हम बहुत लंबा समय दें तो म्यूचुअल फंड में नुकसान नहीं होगा? नहीं होगा नुकसान, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन सही नहीं हुआ, आपका स्ट्रैटेजी सही नहीं हुआ, तो नुकसान हो सकता है। 100 के 100% अगर आप अपना पूरा पैसा किसी एक म्यूचुअल फंड में लगाते हो, वो भी इंटरनेशनल इक्विटी, वो भी सेक्टर फंड में, तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है कि लंबे समय में भी नुकसान आपको फेस करना पड़े। तो ऐसे फंड्स में जब भी हम कोई इंटरनेशनल इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में फोकस करते हैं या फिर कोई सेक्टर और थीमेटिक फंड में फोकस करते हैं, तो कोशिश करो कि 10 से 15% से ज़्यादा का एलोकेशन ना रखें। आगे बढ़ते हैं, दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। मैं आपके सामने एडलविस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करूंगा। अगर मैं देखूं 2021 से अब तक का आंकड़ा देखूं, तो यहां भी करीबन 38 से 39% NAV में गिरावट देखने को मिला है। ये भी फंड अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल इक्विटीज़ के अंदर आता है, और वाकई में यहाँ भी पिछले 3 और 4 साल में आपका नुकसान करीबन 40% को देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इंडियन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे नज़र दौड़ाओगे तो कोई भी ऐसा फंड नहीं है जो इतने ड्यूरेशन में इतना बड़ा नुकसान आपको दे के जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और म्यूचुअल फंड मैं आपके सामने रखता हूँ। तीसरे नंबर पे जो मैं फंड रखूंगा वो DSP वर्ल्ड एग्रीकल्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करूंगा। पिछले 10 साल में यहाँ नुकसान तो नहीं है, लेकिन जो पैसा बना है वो ना के बराबर पैसा बना है। जैसे कि आप देख सकते हो पिछले 10 साल में सिर्फ 2.29% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। FD से भी कम रिटर्न, सेविंग अकाउंट से भी कम रिटर्न। अगर आप ये पैसा सेविंग अकाउंट में भी रखते तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिलता है। हालांकि अगर इस फंड का AUM देखे तो ना के बराबर है। कई ऐसे फंड है जिनमें इन्वेस्टमेंट भी क्लोज हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझना चाहिए जो AMC है, जो ऐसे फंड को ऑपरेट कर रही है, ऐसे फंड को मैनेज कर रही है, मैं यही एडवाइस करना चाहता हूँ कि अगर आप पैसा नहीं बना के दे सकते हो तो ऐसे फंड को क्लोज करो। क्योंकि देखो, अगर ऐसे फंड को आप क्लोज नहीं करोगे, पैसा ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, और ऐसे एग्जाम्पल्स इन्वेस्टर को यहाँ पे डीमोटिवेट करते हैं। AMC को मैं ये भी यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप ऐसे फंड से एक्सपीरियंस जरूर लें कि हम इन्वेस्टर का पैसा जब लगा रहे हैं तो क्या वहाँ पे नुकसान हो सकता है, तो क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, क्या क्या वहाँ पे आपको पाबंदी रखना चाहिए जिससे इन्वेस्टर का पैसा काफ़ी सिक्योर हो। चलिए आगे और बढ़ते हैं, DSP का एक और फंड मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, DSP वर्ल्ड गोल्ड FOF की बात करूँगा। तो यहाँ भी पिछले 10 साल में 5% के करीब में रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले 10 साल में अगर मैं FD का रिटर्न देखूं तो इससे ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे FD के रिटर्न से भी कम पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे फिजिकल गोल्ड भी लेके रखते
तो वहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा बनता, जबकि जो ये फंड है इसमें एफडी से भी कम रिटर्न देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और फंड मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर मैं इन्वेस्टको इंडिया का इन्वेस्टको प्लान यूरोप एंड इक्विटी एफओएफ की बात करूँगा तो यहाँ भी पिछले 10 साल में 5 से 6% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे जितने फंड मैंने आपके सामने रखे हैं ये सारे फंड्स इंटरनेशनल इक्विटीज हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बन पाया। एक समय था जब लोग यहाँ पे चाइना बेस्ड जो फंड्स है उसमें पैसा लगाते थे, यूरोपियन बेस्ड जो फंड है उसमें पैसा लगाते थे, एशियन बेस्ड जो फंड था उसमें पैसा लगाते थे और वाकई में वहाँ पे उस समय रिटर्न भी देखने को मिलता था। लोग वहाँ पे भर भर के पैसा लगाते थे, लोगों को वहाँ पे 1-2 साल में पैसा बना भी। लेकिन अब स्थिति ऐसा है, आप पिछले 5 साल 10 साल का कई ऐसे फंड उठा के देख लोगे जो यूरोपियन बेस्ड फंड है, जो एशियन बेस्ड फंड है, जो चाइना बेस्ड फंड है, इनका रिटर्न या तो नेगेटिव है या फिर ना के बराबर है या फिर एफडी या सेविंग अकाउंट से भी कम रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। अब अगर आप देखोगे, जैसे कि मैं अगर कुछ आपके सामने मार्केट रखूं, जैसे कि मैं अगर एफटीएससी 100 इंडेक्स की बात, लंदन बेस्ड जो ये इंडेक्स है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करीबन पिछले 5 साल में सिर्फ 11% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं चाइना बेस्ड जो इंडेक्स है अगर मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप 26 अक्टूबर 2007 से देखोगे तो मार्केट कभी भी उस पॉइंट को क्रॉस ही नहीं कर पाया है। जो एसएससीए इंडेक्स है, जी हाँ, यहाँ पे गिरावट ही रहा है और कभी भी उस लेवल को टच नहीं किया है। तो जो यूरोपियन इंडेक्स है, जो चाइना बेस्ड इंडेक्स है या फिर आप कह सकते हो कि जो एशियन इंडेक्स हैं, उसमें पिछले 5 साल में बहुत बड़ा चेंजेस नहीं देखने को मिला। कई ऐसे इंडेक्स हैं जिसमें 10 साल का रिकॉर्ड अगर देखोगे तो भी वहाँ पर नुकसान में ही है। तो इन्वेस्टर को मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे कोई वैसे फंड का सिलेक्शन करें, जी हाँ, आउट ऑफ बॉक्स आप सोच रहे हो कि कुछ इंटरनेशनल इक्विटीज़ में यहाँ पे ऐसा लगाएं, तो वाकई में आप ये ज़रूर चेक करें कि जिस भी फंड को मैं फोकस कर रहा हूँ उसका पैसा सबसे ज़्यादा कैसे स्टॉक्स में लग रहा है और वो स्टॉक्स किस कंट्री के बेसिस पे हैं। जैसे कि अगर आप नैस्डेक 100 में पैसा लगा रहे हो, इट मीन्स कि उस इंडेक्स के अंदर वहाँ पे आपको जो यूएस के बेहतरीन स्टॉक्स हैं उसमें पैसा लग रहा है। जी हाँ, आईटी बेस्ड इंडेक्स है तो वहाँ पे आपका पैसा लग रहा है। अगर आप देखोगे तो यूएस बेस्ड जो इंडेक्स है पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो यूरोपियन बेस्ड इंडेक्स है वहाँ पे रिटर्न इंडियन स्टॉक्स मार्केट से ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। हालांकि अगर पिछले 4 साल 5 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो इंडियन स्टॉक्स मार्केट से ज़्यादा कहीं पैसा नहीं बना है, लेकिन फिर भी यूएस बेस्ड जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा बना है यूरोपियन इंडेक्स में। और यहाँ पे अगर चाइना बेस्ड इंडेक्स की बात करूँ, एशियन इंडेक्स की बात करूँ, तो यहाँ पे नुकसान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पैसा लगा भी रहे हो तो 10 से 15% का एलोकेशन लो, इससे ज़्यादा नहीं। और देखो, अगर कभी आपको ये देखने को मिले कि पिछले 2 साल 3 साल से मेरा पैसा बहुत बड़ा यहाँ पे रिटर्न देके नहीं जा रहा है तो कुछ आप वहाँ पे स्ट्रैटेजी चेंज करो। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके विश्वास करना, इन्वेस्टमेंट करते ही रहना है। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिकवर हो सकता है कि ऐसे इंडेक्स में पैसा बने, हो सकता है कि ऐसे म्यूचुअल फंड में रिकवरी हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। कब तक होगा, आप कब तक ऐसे पैसा लेके बैठे रहोगे? बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कई ऐसे फंड हैं जो पिछले 5 साल में, पिछले 4 साल में पैसा नहीं बना के दिए हैं। मैं इंटरनेशनल इक्विटीज़ की बात कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनल इक्विटीज़ बेस्ड म्यूचुअल फंड है, फिर भी उसमें रुके हुए हैं कि आगे कुछ होगा, आगे कुछ होगा। कोई भी गारंटी नहीं है, उससे अच्छा उस पैसे को निकाल के आप इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा दो, वहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है 1 साल में ही आपका पैसा 15% और 20% ग्रो कर जाए। काफ़ी बारीकी से देखो, समझदारी से आपको हमेशा इंटरनेशनल इक्विटीज़ फंड पे फोकस करना चाहिए। मैंने कई वीडियो पब्लिश किए हैं इससे रिलेटेड कि इंटरनेशनल इक्विटीज़ पे जब आप फोकस करते हो तो आपको क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। आप लगातार हमारे वीडियो के साथ बने रहें, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे जिसके बेसिस पे आप बहुत स्ट्रांग डिसीजन म्यूचुअल फंड में ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।